दो के नीचे दो बनाने वाला काम, एक फ्रॉड बिजनेस, एक स्कैम जो इंडिया में बढ़ते हो जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की। क्या नेटवर्क मार्केटिंग एक लेजिटिमेट बिजनेस है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग एक फ्रॉड है, आज जानेंगे इस वीडियो में। हे गाइस, प्रतीक श्रीवास्तव दिस साइड, और आज जानते हैं इस वीडियो में क्या नेटवर्क मार्केटिंग एक स्कैम है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग सही बिजनेस है। चलिए शुरुआत करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग हुई थी 1934 कैलिफोर्निया से, जब एक सप्लीमेंट बेस्ड कंपनी ने एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल को लॉन्च कर दिया। एक गलत फहमी मैं आपको दूर कर देता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है। तो एक कंपनी ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को पहली बार 1934 में कैलिफोर्निया के अंदर इंप्लीमेंट करा था। एंड इसके बाद आपको पता ही है, जो भी वेस्टर्न कल्चर आता है, चाहे वो वेस्टर्न ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे वो कुछ भी हो वेस्टर्न में, वो फैलता है पूरी दुनिया में। हर कंट्री के अंदर हर वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करा गया, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग भी फैल पड़ा। एंड कई देशों के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग कल्चर आ गया, कई सारी कंपनी स्टार्ट हुई, कई सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ने जन्म लिया एंड वो पूरे देशों में फैल गई। बट इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत होती है 1996, जब एक A1 नाम की कंपनी इंडिया में आती है नेटवर्क मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस करते हुए। बट आपको पता है, नेटवर्क मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट है, एक बिजनेस मॉडल है, जिसके अंदर प्रोडक्ट बेचा जाता है, जिसके अंदर प्रोडक्ट्स लोगों को ऑफर करे जाते हैं एंड प्रोडक्ट्स से बिजनेस जनरेट करा जाता है, रेवेन्यू कलेक्ट करा जाता है। बट जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में आया तो इंडिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इंडिया के अंदर वो प्रोडक्ट्स लेके आए थे कार वॉश, वैक्यूम क्लीनर। मैं सच बात बताऊं, आपके घर में आज भी वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल नहीं होता। आज इंडिया के अंदर बहुत सारी गाड़ियां हैं, बट 1996 में इंडिया में साइकिल भी लोगों के पास सही से नहीं होती थी। तो जब ये प्रोडक्ट आए तो ये प्रोडक्ट बिके ही नहीं, बिकॉज इसकी इंडिया में नीड ही नहीं थी, जिसके कारण नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस यहाँ पे ज़्यादा नहीं पनप पाया एंड लॉसेस हुए कंपनीज को, जो बाहर के देश से इंडिया में आई थी इसको फैलाने के लिए। बट इंडियन माइंडसेट इतना कुराफाती माइंडसेट है, इंडियंस ने इस बिजनेस मॉडल को पकड़ लिया और उनको पता था यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बिकता, बट यहाँ पे जल्दी लोगों को अमीर बनना है तो हम एक स्कीम बेचेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे। और एक काले बिजनेस की शुरुआत हुई 1997 में, बहुत सारी फेक कंपनीज बनाई गई नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं था, जहाँ पे सिर्फ मनी रोटेशन स्कीम थी। लोग पैसा लगा रहे थे, पैसा कमा रहे थे, पैसा लगा रहे थे, पैसा कमा रहे थे। उस स्कीम का मोटिव यही था, आप पैसा लगाओ और लोगों से पैसा लगवाओ। इस स्कीम से हजारों लोगों ने बहुत लॉसेस उठाए, करोड़ों का नुकसान हुआ और ये कंपनीज जो बनाई जाती थी, इनके आने की डेट तय होती थी और इनके जाने की डेट भी तय होती थी, जिसके कारण ये बिजनेस की जगह एक स्कैम बन गया। और इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, क्योंकि इंडियंस को पता है, इंडियंस को जल्दी अमीर बनना है, तो उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम इस्तेमाल करा एक बिजनेस के रूप में और लोगों को पागल बनाना स्टार्ट करा कि अगर तुम पैसे लगाते हो तो तुम बहुत जल्दी करोड़पति बन जाओगे, तुम पैसे लगाओ, लोगों से पैसे लगवाओ। इस वजह से इस बिजनेस में बहुत सारी कंपनीज उतरी इस गेम के अंदर और बहुत सारी कंपनीज बहुत जल्दी ही चली गई इस गेम से, जिस वजह से लोगों का विश्वास इस पे बिल्कुल ख़त्म हो गया नेटवर्क मार्केटिंग पे। बट कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट ने इसके ऊपर गाइडलाइंस बनाना स्टार्ट करी एंड जब गाइडलाइंस आई, बट तब भी लूप होल की वजह से लोग उसका फ़ायदा उठाते रहे। आपको एक चीज़ लगती होगी, आपके पेरेंट्स की जो एज है, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उनसे डिस्कस करते हो आज की डेट में, तो आपको एक चीज़ महसूस होगी, वो बहुत नेगेटिव है इस बिजनेस की। एक ही जनरेशन इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई, जो हमारे माँ बाप वाली जनरेशन है। क्यों? क्योंकि उनके ज़माने में ये बिजनेस आया था और उस ज़माने में इसकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा फैल गई कि ये फ्रॉड और स्कैम के नाम से मशहूर हो गया। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग इसको स्कैम बोलते हैं, लोग इसको एक लेजिटिमेट बिजनेस नहीं मानते। बट आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, आपको करनी चाहिए क्या ये बिजनेस, क्या ये अब लेजिटिमेट है, क्या अब ये बिजनेस आपके लिए है या नहीं, जानेंगे। सो इसी वजह से इतने सारे स्कैम्स हुए इंडिया में, इसी वजह से आज इस बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, क्योंकि टाइम तो बदल गया, टाइम तो बहुत आगे चला गया, बट लोगों के मन से वो स्कैम का डर, लोगों के मन में वो नेगेटिविटी जो चली गई, जिनके पैसे जिन्होंने इस बिजनेस में खोए, आज भी वो इस चीज़ को नहीं भूल पा रहे हैं। इसीलिए आज भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर
पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव ओपिनियंस मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा गवाया है। बट अगर आज के डेट की बात बताऊं, 2023 की बात बताऊं, तो जनवरी 2022, जी हाँ, जनवरी 2022 में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार इसके ऊपर परमानेंट लॉज बनाए। पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग को रेगुलेट करते हुए हमारे देश के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कानून बने, जिसमें हर चीज लिखी गई है कि क्या रेगुलेशंस हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के लिए, इस बिजनेस के लिए। और इसके चलते हुए अब नेटवर्क मार्केटिंग में कंप्लीटली एक शक्ति आ चुकी है, प्रॉपर कानून चल रहे हैं, और इसके चलते हुए बहुत सारी फेक कंपनीज बंद कर दी गई, उन पे ताले लग गए। तो आज की डेट में जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज चल रही हैं, वो सारी लेजिटिमेट हैं, एंड ये बिजनेस 100% अब लीगल हो चुका है। क्योंकि आज से पहले सिर्फ इसके ऊपर गाइडलाइंस थी, बट आज नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर परमानेंट लॉज हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के लॉज की कॉपी मैं एक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा, ताकि आपको 100% नॉलेज हो और आप लोगों के साथ भी इस PDF को, इस कॉपी को शेयर कर सको कि ये बिज़नेस अब लेजिटिमेट हो चुका है, ये बिज़नेस अब लीगल है, और ये बिज़नेस अब ग्रोथ की तरफ बढ़ते जा रहा है। सो इंडिया में तो अब ये बिज़नेस 100% लीगल हो चुका है, एंड पूरे वर्ल्ड में तो ये बिज़नेस 100% लीगल था ही। एंड अब आगे बढ़ते हैं। पीपल से वेरी नेगेटिव अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, बट मेरा कंसर्न उन लोगों के लिए नहीं है, बिकॉज जो लोग इसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। मेरा कंसर्न उन लोगों के लिए है जो इस बिजनेस को सीखते हैं, जो अपनी लाइफ में सपने देखते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, बट जब वो इस बिजनेस को सीखते हैं और वो ओपिनियंस को सुनते हैं, ना कि फैक्ट्स को, मेरा कंसर्न सिर्फ उनके लिए है, और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो नॉलेज प्रेफर करते हैं, ना कि ओपिनियन। मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी भी सक्सेसफुल, क्रेडिबल और ऑथेंटिक बंदे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बुरा भला बोलते हुए नहीं सुना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियन। फैक्ट्स यानी कि तथ्य, और ओपिनियन का मतलब होता है राय। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, आज जिस डिजिटलाइज जमाने में हम जी रहे हैं, हमारे आसपास दो सबसे बड़े सर्च इंजन है, गूगल एंड यूट्यूब, कि दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन हैं। और इनकी खास बात क्या है कि आप इस पर कुछ भी सर्च कर सकते हो, बट जो आप सर्च करते हो इन पे एंड जो आपको रिजल्ट्स आते हैं, वो रिजल्ट्स हम जैसे लोग बनाते हैं। जैसे मैं एक YouTube क्रिएटर हूँ, जैसे मैं YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ, और इस समय आप मेरी YouTube पे वीडियो देख रहे हो, वैसे ही कई सारे लोग, डिफरेंट आइडेंटिटी के लोग YouTube पे वीडियोस बनाते हैं और Google पे ब्लॉग्स लिखते हैं। बट एक चीज़ बताऊँ, इस चीज़ को कोई जांचने वाली चीज़ नहीं है कि जो मैंने लिखा या जो मैंने YouTube में बोला वो सही है या गलत। दे आर जस्ट ओपिनियंस, एंड ओपिनियन कोई कैसी भी दे सकता है। ओपिनियन का मतलब पता है क्या? आप घर पे बैठ के क्रिकेट देख रहे हो और पॉपकॉर्न खाते हुए आप IPL में ये बोल देते हो कि धोनी में अब वो दम नहीं रहा, विराट कोहली अब वो बढ़िया खेल नहीं खेलता यार, विराट कोहली में अब वो दम नहीं है। घर पे बैठे हुए ये बोलना कितना आसान है कि उसमें वो दम नहीं रहा, ये खेल नहीं पाएगा, इसको ये शॉट को ऐसे खेलना चाहिए था। घर पे बैठ के ये बोलना बहुत ज़्यादा आसान है, बट अगर मैं आपको उस समय बैट पकड़ा दूं, आप एक बॉल नहीं खेल पाओगे, प्रोफेशनल बॉलर की आप एक बॉल नहीं खेल सकते, पर घर पे बैठकर ये बोलना कितना आसान है। क्योंकि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में राय देना सबसे आसान काम है, ओपिनियंस, बट ओपिनियन का कोई अस्तित्व नहीं होता। ओपिनियन जस्ट एक ओपिनियन है। आप किसी के बारे में पॉजिटिव सोचते हो या फिर आप एक पर्सन के बारे में नेगेटिव सोचते हो, ये आपकी ओपिनियन है, बट ये कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इस बात की। अगर एक पॉलिटिशियन के बारे में मैंने आपको कोई बात बताई, नरेंद्र मोदी के बारे में सपोज मैंने आपको कोई बात बताई, आपके फीडबैक्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट आपके फीडबैक की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, दे आर जस्ट ओपिनियन। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग को लेके भी बहुत सारे फैक्ट्स और ओपिनियन हैं, बट लोग ओपिनियन को सुन रहे हैं। आप लोगों से पूछते हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आप गूगल पे जाते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी नेगेटिव वीडियोस हैं अवेलेबल, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ नेगेटिव बोला जा रहा है। एक्चुअली दे आर नॉट फैक्ट्स, दे आर जस्ट ओपिनियन। और अगर आप ओपिनियन को फॉलो करते हो, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। बट अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं, तो आज जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के काफ़ी सारे फैक्ट्स, जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको इस बिजनेस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है WFDSA,
वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये वर्ल्ड लेवल पे काम करती है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है वर्ल्ड लेवल पे। वैसे ही ठीक इंडिया में भी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो नेटवर्क मार्केटिंग को कंट्रोल करती है, जिसका नाम है IDSA। ये एक डिफरेंट संस्था है जो फिक्की के द्वारा चलती है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन नाम है इसका। कुछ फैक्ट्स जो WFDSA की रिपोर्ट में है, और ये रिपोर्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा, इस रिपोर्ट का नाम है डायरेक्ट 2017। इस रिपोर्ट में एक चीज बताई गई कि नेटवर्क मार्केटिंग इस समय 170 देशों में चलने वाला बिजनेस है, और आज नेटवर्क मार्केटिंग $200 बिलियन से ज्यादा का बिजनेस कर चुका है 2022 तक, यानी कि 15 लाख करोड़ का बिजनेस अभी तक 2022 तक नेटवर्क मार्केटिंग में हो चुका है। 15 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स आज नेटवर्क मार्केटिंग में पार्टिसिपेटेड हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड आज 15 करोड़ से ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग में एसोसिएटेड हैं। आज बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सक्सेसफुल पीपल, एंटरप्रेन्योर्स आज इस बिजनेस की तारीफ करते हैं, बड़े बड़े मंच से इसको संबोधित करते हैं। आप इंडिया के अंदर देखोगे तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी, कितने सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से ये बोल चुके हैं कि दैट नेटवर्क मार्केटिंग इज द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ द कंट्री, नेटवर्कर्स आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ द कंट्री। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि इंडिया एक बहुत लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, और इस कंट्री में एक ही समस्या है एम्प्लॉयमेंट की, बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इसको कई हद तक दूर कर सकती है, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में वो पोटेंशियल है कि लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। एक फैक्ट और, आज नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ बातों में नहीं है, आज नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जाती है। आज वर्ल्ड वाइड रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज अपने बुक्स के अंदर चैप्टर हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, जो बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं। आज सेपरेट डिप्लोमास कराए जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। इंडिया में कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो डिप्लोमास कराती हैं, आप उन यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके डिप्लोमा कर सकते हैं। जैसे शूलिनी यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, एमिटी यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफी सारे कोर्सेज के अंदर ये सब्जेक्ट है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग, जो आज बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अब आप फैसला करो कि नेटवर्क मार्केटिंग ठीक है या गलत। अब बात करते हैं फिक्की एंड KPMG की। फिक्की एंड KPMG एक बहुत ही नामी ग्रामी संस्था है। फिक्की इज द वॉइस ऑफ द इंडस्ट्री। फिक्की एक इंडियन बेस्ड संस्था है जो हमारे इकोनॉमिक एंड वेलफेयर एक्टिविटीज को इंडिया के अंदर कंट्रोल करती है। एंड KPMG एक नेदरलैंड बेस्ड अकाउंटिंग फर्म है, और 1987 से फिक्की एक top 4 बिग अकाउंटिंग फर्म्स में से एक रही है। तो इनकी रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी, उसका नाम है डायरेक्ट 2017। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा ताकि आप उसको भी पढ़ सको। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग 65,000 करोड़ तक का बिजनेस कर सकती है, और 2025 में ये बिजनेस इंडिया के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकता है। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की। एक लाइन जो मेरे दिल के बहुत पास है, कंट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज बिल्डिंग इंडिया। आज इंडिया को बनाने के लिए भी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा काम कर रही है, और इस रिपोर्ट का नाम है डायरेक्ट 2016। इन सारी रिपोर्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेंगे, ताकि जब भी अब आपसे कोई कहे नेटवर्क मार्केटिंग एक लेजिटिमेट बिजनेस नहीं है, आप उसको ये रिपोर्ट्स दिखा सको, बिकॉज हम फैक्ट्स पे बिलीव करते हैं ना कि ओपिनियन पे। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ये इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इंडिया को बिल्ड करने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रही है। मैं 5 सेक्टर्स बता रहा हूँ जिसमें ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इन्वॉल्व ऑलरेडी हो चुकी है एंड इसको सपोर्ट कर रही है। फर्स्ट इज मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया एंड वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया। इन 5 सेगमेंट में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी काम कर रही है इंडिया के अंदर, एंड बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, बहुत ग्रोथ हो रही है इंडिया के अंदर इन सेगमेंट से। देखो सिंपल सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसपे बहुत सारे दाग हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है इंडिया के अंदर, बट बातें बोलने से बातें नहीं बदल सकती, तथ्यों से हम पता लगा सकते हैं कि क्या सच है और क्या नहीं। देखो दोस्त, एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक चीज समझा देना चाहता हूँ। एक चिड़िया थी, और एक गांव में बहुत तेज आग लग गई थी, तो बहुत सारे लोग उस आग को बुझा रहे थे।
कोई बाल्टी से पानी डाल रहा था, कोई पाइप लगा के पानी डाल रहा था, कोई मग्गे से पानी डाल रहा था, बट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। तो उधर उस चिड़िया ने भी देखा, तो उस चिड़िया ने फैसला करा कि मैं भी इस आग को बुझाने की कोशिश करती हूँ। तो वो तालाब में जाती, अपनी चोंच में कुछ बूंद पानी भर के लाती और उस आग में डाल देती। वो ऐसा काफ़ी देर से कर रही थी, तो एक बूढ़ा व्यक्ति नीचे से बैठते हुए उस चिड़िया को देख रहा था। तो उसने चिड़िया को कहा, क्या तेरे इस कुछ बूंद डालने से क्या यह आग बुझ जाएगी? तो उसने कहा, बाबा देखो, मुझे नहीं पता कि मेरे इस कुछ बूंद पानी से ये आग बुझेगी नहीं बुझेगी, बट इतिहास में जब भी इस आग के बारे में बात होगी तो मेरा नाम भी लिया जाएगा, और मुझे नहीं पता इस कुछ बूंद पानी से ये आग बुझेगी नहीं बुझेगी, बट तमाशा देखने वालों में मेरा नाम नहीं होगा, मेरा नाम उस आग को बुझाने वालों में से होगा। नेटवर्क मार्केटिंग पे तमाम ओपिनियंस, तमाम तथ्य हैं, बट मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आज इस इंडस्ट्री ने हज़ारों लोगों को उनके सपनों तक मिलवाया है। आज इस इंडस्ट्री में हज़ारों लाखों लोग काम नहीं करते, करोड़ों लोग काम करते हैं, करोड़ों घर की रोटी चलती है इस घर से। आज बहुत सारे मिडिल क्लास या उससे कम वर्गे के लोगों ने अपने सपनों को अचीव कराया जो कहीं और से नहीं कर पाए। ये इंडस्ट्री नहीं, उम्मीद है हर उस व्यक्ति के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहता है। ये उम्मीद है उस व्यक्ति के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहता है, जीवन में कुछ बनना चाहता है, जो बहुत पढ़ नहीं पाया, जो बहुत लिख नहीं पाया, बट फिर भी जीवन में उसके पास सपने हैं, आग हैं, वो कुछ करना चाहता है। तो ये इंडस्ट्री उसको मौका देती है जीवन में कुछ करने के लिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर हम किसी चीज़ की तारीफ नहीं कर सकते, किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। तो ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए है कि आप आज फैसला करो कि नेटवर्क मार्केटिंग ठीक है या नहीं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक कुछ काम करते रहें, अपनी ज़िंदगी में कुछ प्रोडक्टिव करें और अपने सपनों को पूरा करें।